फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लेक्चर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपने स्कोर। आज की वीडियो लेके आया हूं आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैं पहले भी आर्टिकल 14-18 and 19 के सेपरेट वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। सो अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन आर्टिकल्स को जाके भी देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो भी। तो आज के आर्टिकल मैं लेके आया हूं, बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन के ऊपर। आज का आर्टिकल 20 भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल लाइफ में बंदों को काफ़ी चीज़ों से अनवेयर होते हैं। तो आइए आर्टिकल 20 के बारे में जानते हैं, जो कि कहता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी अपराधी को या एक्यूज को खिलाफ FIR करा देने से या फिर कोई मुकदमा दर्ज करा देने से यह प्रूव नहीं होता है कि जो एक्चुअल में एक्यूज है या दोषी है, जब तक कि कोर्ट ना कह दे या कोर्ट ये प्रूफ ना कर दे कि वो एक्चुअल में एक्यूज है, जो कि चार्जेस उस पर लगे हैं, जो कि FIR उस पर चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। मीन्स कि किसी पर सिर्फ FIR करा देने से हम उसको दोषी अपराधी नहीं कह सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी बंदा बिना बात पे या कोई भी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए या झूठा फंसाने के लिए कोर्ट में मुकदमा कर देता है या फिर FIR लॉन्च करवा देता है। तो सिर्फ किसी की FIR कराने से या मुकदमा दर्ज करा देने से यह साबित नहीं होता है कि जब तक कि कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे कि वो एक्यूज्ड एक्चुअली में गिल्टी है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 में तीन टाइप्स की बात की गई है। पहला है कि अपराध के समय का कानून। ये बेसिकली कहता है कि जो क्राइम कभी कमिट किया गया है उस टाइम जो लॉ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी एक्यूज को पनिश किया जाएगा। यानी कि बेसिकली ये कहते हैं कि जो कोई भी एक्यूज है वो उस टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा, उसके अनुसार ही उसको सजा दी जा सकती है। ना कि उस अपराध से पहले क्या लॉ था या फिर उस अपराध से बाद का लॉ क्या था, ये मैटर नहीं करता है। सपोज कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथ तोड़ने की जो सजा है वो 1 साल है, तो किसी ने क्राइम कन्विक्ट किया, किसी का हाथ तोड़ दिया, उसको 2020 में उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब होता है क्या कि वो केस जब 4-5 साल चलता गया तो 2025 में एक लॉ आ गया कि हाथ तोड़ने की जो सजा है वो 5 साल कर दी गई है या उम्र कैद कर दी गई है। अब जब उसका केस 2025 में डिसाइड होगा तो ये तो नहीं कह सकता कि जो करंट लॉ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये तो नहीं कह सकता कि अब आपको भी फांसी दी जाएगी क्योंकि हमने 2020 में हाथ तोड़ा था। आप पे तो वही लॉ लागू होगा जो कि उस टाइम पे चल रहा था। या फिर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि भाई जो पुराने शासन काल में मुगल काल में होता था कि आपने किसी का अपराध किया है या आपने किसी का हाथ तोड़ा तो आपका भी हाथ तोड़ दिया जाएगा, वो भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब क्राइम कमिट किया गया, ऑफेंस कमिट किया गया, तो वो उसी पे वही लॉ लागू होगा जो कि उस टाइम चल रहे हैं, ना कि उससे पहले वाला, ना कि उसके बाद वाला। तो इस केस में जैसे 2020 में अगर उसने किसी का हाथ तोड़ा है तो उस पर अगर सजा 1 साल थी तो वो उसके लिए पनिश होगा 1 साल के लिए ही, चाहे फिर उस केस का फैसला 5 साल। अब आर्टिकल 20 का पॉइंट 2 बात करता है कि किसी भी एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन, कि आपको अगर किसी भी अपराध के लिए एक बार सजा मिल चुकी है तो उसके लिए आपको दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। कि मीन्स कि जब किसी एक पर्सन को, बंदे को एक अपराध के लिए कोर्ट के द्वारा पनिश कर दिया गया है तो उसे सेम ऑफेंस के लिए दोबारा सजा नहीं दे सकते। जैसे कि अब कोई किसी ने एक मर्डर किया है, उसको कोर्ट से केस चला, प्रोसिक्यूट हुआ और उसको सजा दे दी गई 10 साल की। अब जब 10 साल बाद जब वो जेल से बरी होगा बंदा, तो उसके बाद कहीं भी घूम रहा फिर रहा होगा तो उसको दोबारा अंदर नहीं किया जा सकता उस सेम ऑफेंस के लिए। या फिर जिसको जिस जज ने पनिशमेंट दी थी तो वो अपनी सजा काटने के बाद जज के सामने आके कह सकता है कि भाई मैं ही वही हूँ जिसने आपने मुझे सजा दी थी। तो जज साहब उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई आप दोबारा अंदर चलो। आप तो लॉ में यही कहा गया है कि किसी भी एक बंदे को एक सजा के, एक ऑफेंस के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। ये नहीं है कि जब अपनी गुस्सा आया तो उसको फिर दोबारा अंदर कर दिया या बाहर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग उसको, किसी भी बंदे को एक ही बार ही पनिश किया जाएगा। थर्ड बात करता है, खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं हो सकती। मीन्स कि खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। जैसे कि इसकी पॉइंट 3 कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब कि खुद के अगेंस्ट गवाही नहीं देने के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि पुलिस के सामने जो भी बयान दिया जाता है ड्यूरिंग रिमांड, तो वो कोर्ट में इनएडमिसिबल होता है। मतलब कि कोर्ट उस बयान को नहीं मानती है।
क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि इंडिया में, आपने जनरली मूवीज में भी देखा होगा कि पुलिस जो है किसी भी एक्यूज को जो भी है गिरफ्तार करती है, उसको डंडे से मार मार के उससे बुलवाने की कोशिश करती है कि बता भाई तूने क्राइम किया है, तूने क्राइम किया है। तो जो ऑब्वियसली बात है, जब किसी को इतने पड़ेंगे तो उसको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, तभी तो उससे बचे हुए हो बाद में। हाँ ये हो सकता है कि बाद में जुडिशियल रिमांड में जब जाएगा तो वहां कह सकता है भाई मैं, मेरे को इतना पीटा गया, मैंने इसलिए ये बोल दिया। तो कोर्ट में ये कहे जाएगा कि पुलिस के सामने दिया गया जो भी बयान होगा वो कोर्ट में इनएडमिसिबल होगा। मीन्स कि कोई भी बंदा अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता कि मैंने ही ये सब किया है, या कोई भी ऐसा रिपोर्ट अगर पुलिस के सामने अगर लिखवाई गई है, एविडेंस लिया गया है, तो वो कोर्ट में इनएडमिसिबल माना जाएगा। तो मतलब कोई भी बंदा खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 20 तो यही बात करता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, की कैसे कैसे बंदे को प्रोटेक्शन की जाए। और ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो कभी छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती इसमें, क्योंकि ये बनाया ही इस तरह से गया है, जो कि मेनली 3 पॉइंट्स की बात करता था। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं ऐसे ही वीडियो डेली पोस्ट करने वाला हूँ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज आपको टाइम टू टाइम